ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में करूंगा, तो नेक्स्ट करूंगा तो मुझे ऊपर एरो की हेडिंग भी आएगी, फिर वापस नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ सब हेडिंग आ जाएगा। बैकग्राउंड आप एक्सेल के अंदर, एक्सेल का बैकग्राउंड डाल सकते हैं कि बैकग्राउंड प्रिंटेबल नहीं होता है। क्या था, फिर डिलीट बैकग्राउंड करो, डिलीट हो जाएगा। इसमें यह आता है आपका कॉलम, इसमें से वैसे होता है ना कि ये भी होता है पार्ट, दो दो हेडिंग होते हैं ना, कि पहला वाला भी फ्रीज हो जाए। बस एक तो चलो ये एक पेज में फिट हो रहा है, अगर मान लो कि बाहर भागा तो यहाँ पे आया तो ये किसका है, मान लो यहाँ पे ये रिमार्क्स आया हुआ है, या फिर यहाँ पे क्वांटिटी आया हुआ, किसकी क्वांटिटी है, तो इस सुजीत की क्वांटिटी है। कॉलम आपका फिक्स, आपका रो कॉलम फिक्स हो जाएगा, ऐसे रो फिक्स होता है ना हेडिंग, ऐसे कॉलम फिक्स हो जाएगा। एक पर मैं नहीं कई कितना भी कर सकते हो, बता रहा हूँ, बिल्कुल भी हो गया ना, अभी 5 तक आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, प्रिंट प्रीव्यू पे गया, नेक्स्ट किया, सही है। फिर वापस नेक्स्ट कर रहा हूँ, सही है। अब जो यहाँ पे P5 का आ रहा है, आपको नंबर आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, नेक्स्ट करता हूँ तो P5 आ रहा है। P5 किसका है भाई, 83 87 किसका है, तो पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट टाइटल में कॉलम रिपीट। तब क्या होगा, देखो इसका बेनिफिट क्या होगा कि नेक्स्ट, सही है, यहां पे देखा जीत तो आया, देन P5 आया, देन P5 आया, अब जैसे कि यहां पे देखियो कि एक चीज, एक दिक्कत आ गया कि आपका लास्ट जो मंथ जो है वो भाग गया, 3 पेज में आ गया, तो यहां से इसकी विड्थ फिक्स कर सकते हो। मैंने बताया फिक्स 2 पेज, अब मेरा विड्थ 2 पेज के अंदर ही है, होगा है ना। इसे क्या हो, छोटा हो गया मेरा, मतलब कि प्रिंटिंग की साइज जो है छोटा हो गया। तो प्रिंट टाइटल में क्या होता है कि प्रिंट टाइटल में आप चाहते हो कि मेरा जो हेडिंग हर पेज पे आए उसको सिलेक्ट कर लो, और कॉलन जो हर कॉलन मेरे हर पेज पे आए, जरूरी नहीं आपको पूरा डालना पड़ेगा सीक्वेंस, कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो तो आपका हर कॉलम में आएगा। तो रिपीट रो एंड रिपीट कॉलम, इसका यूज होता है यहां पे। प्रिंट ग्रिड लाइन, अब जो ग्रिड लाइन है उसको भी प्रिंट में लाना चाहते हो, जब प्रिंट करोगे तो जो भी क्या है कि है, ये नहीं दिख रहा है ना, ये देखो लाइनिंग ग्रिड लाइन जो दिख रहा है आपके, यहां से मैं एक काम करता हूँ, रिमूव प्रिंट एरिया कर, ये प्रिंट पेज ब्रेक कर देता हूँ, सॉरी इसको सिलेक्ट करके यहां से रिमूव पेज ब्रेक, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट जाएगा, ड्राफ्ट क्वालिटी क्या होता है पता है, इसे पिक्चर्स नहीं आते हैं। देखो मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूं, कर लिया ना। अब मैं पिन पिन व्यू में इसमें प्रिंट टाइटल पे आता हूँ, इंसर्ट के पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल, और मैं इसको ड्राफ्ट क्वालिटी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रीव्यू में आता हूँ, सब चीज सही है, पिक्चर नहीं है ना। क्या नॉन फॉर्मेट समझा ना, नहीं फॉर्मेट शो करेगा, कलर वाला शो करेगा, पिक्चर्स नहीं, पिक्चर्स नहीं शो करेगा। हाँ अब मैं हटा दिया तो अब आ जाएगी पिक्चर, देखो आ रही है ना, ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है क्योंकि मैं प्रिंटर, प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए प्रिंट आ रहा है। प्रिंट जो डिफॉल्ट सेट है मेरा वो ब्लैक एंड व्हाइट, ये आपका जो ABCD है 1 2 3 है, ये प्रिंट पे आएगा।
कमेंट प्रिंट में नहीं आएगा, कर दोगे तो कमेंट भी प्रिंट में आएगा, एंड ऑफ द सीट, हर सीट के एंड में कमेंट्स आएंगे, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन यहां पे, हाँ वहीं पे दिखेगा आपको, ठीक है ना। और दूसरा होता है डाउन ओवर। अभी क्या हो रहा है कि पहले आपका, अभी दो पेज में था, क्या हो रहा था कि पहले आपका ए प्रिंट हो रहा था, देन इधर प्रिंट हो रहा था। अगर मैं ये कर दूं डाउन द ओवर तो फिर ऐसे प्रिंट होगा, इस तरह से। पहले क्या करेगा, कॉलम मैच करेगा, देन रो मैच करेगा। अभी क्या था कि पहले इस तरह से निकाल देता, इस तरह से निकाल देता, किसमें, इसमें, ठीक है, डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है, जिसे यूज कर सकते हो आप। दूसरा प्रिंट, अगर कंट्रोल पी करते हो आप, तो कंट्रोल पी करते समय दो चीजें होती है, एक तो आप ऑल पूरा पेज को प्रिंट कर सकते हो, या फिर कोई नंबर ऑफ पेजेस, कि यहां से यहां तक तो नंबर ऑफ पेजेस यहां पे क्लिक करके डाल सकते हो आप, ठीक है। सिलेक्शन, एक सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना चाहते हो, मैं चाहते इतना ही एरिया प्रिंट में आए, तो आप प्रिंट करते समय यहां पे सिलेक्शन कर लो, ठीक है। एंटायर वर्कबुक, कितने शीट्स हैं, 10 शीट्स है ना, एंटायर वर्क को भी क्लिक कर दूंगा, 200 शीट पे प्रिंट कर देगा। इग्नोर प्रिंट एरिया, जब हमने प्रिंट एरिया सेट कर लिया था उतना ही एरिया प्रिंट में हो रहा था। नहीं, जितना एंटायर एंटायर वर्क बुक होता है कि पूरे वर्कबुक से प्रिंट करेगा वो, हाँ, ब्लैंक प्रिंट में आता है, नहीं आता है, जैसे होता है ना कि आपके 20 रिपोर्ट का प्रिंट, आप मान लो क्या होता है कि फाइल प्रिंट करने होते, जैसे मुझे प्रिंट करने होते थे जब मैं कलेक्शन टीम में था, तो एक आता था पेमेंट कंट्रोल रजिस्टर, मतलब कि जितने ही बुक कलेक्ट हुए हैं उस बुक के हिसाब से पेमेंट पेज निकालने पड़ते थे, प्रिंट निकालने पड़ते थे, और हर बुक के लिए एक एक सीट बनती थी, ठीक है ना। जैसे 2000 बुक है, 2000 सीट बन गई, अब मुझे आप प्रिंट निकालने हैं 2000 बुक, 2000 सीट पेज के, 2000 का निकालना है, तो एक एक करके प्रिंट करना मुश्किल होता। मैं प्रिंट, मैं सबका सेटिंग कर रखा था, क्योंकि 50 पेज ही होते थे सबका, तो सारे मैं सेटिंग करके रखता था, क्योंकि जब मैं उसी की कॉपी करता था नेक्स्ट बुक बनाने के लिए। हाँ, प्रिंट ऑन टाइम में दे दिया, एक एक प्रिंट का वहां देने, 25 प्रिंट का, ये 200 प्रिंट का, 2000 प्रिंट का वहां देने पड़ेंगे, एक बार प्रिंट टू फाइल कर दिया, 2000 प्रिंट अपने आप निकल गया, उस करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप निकल जाएगा, फाइल बंद भी हो गया फिर भी निकल जाएगा, सिस्टम ही बंद हो गया फिर भी निकल जाएगा, क्योंकि प्रिंटर मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। दूसरा आता है नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है आपका कोलेटेड, मतलब कि क्या है कि अगर मैंने बोला कि 1 से लेके 5 तक का की मुझे 15 कॉपी निकाल, अभी कोलेटेड पे क्लिक नहीं है ना, ये क्या करेगा, पहले 1 का 15 कॉपी निकालेगा, फिर 2 का 15 कॉपी, फिर 3 का 15 कॉपी, फिर 4 का 15 कॉपी, फिर 5 का 15 कॉपी, फिर आपको एक एक करके अरेंज करके फिर स्टेपल करने पड़ेंगे। आप कोलेटेड में क्या होगा कि पहले 1 से 5 निकालेगा, फिर 1 से 5, फिर 1 से 5, फिर 1 से 5, ऐसे 15 बार चलेगा, तो कोलेटेड का फर्क ये होता है। वही सेम इंटायर वर्कबुक प्रिंट टू फाइल लिखी है, प्रिंट टू फाइल, तो आप फाइल को बिना ओपन किए भी प्रिंट दे सकते हो आप, जैसे पेन कार्ड है मैं इसको प्रिंट देना है, राइट क्लिक करो और यहां पे प्रिंट, पूरी फाइल प्रिंट हो जाएगी बिना ओपन हुए। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्क्रॉल टू फिट है कि कितने पेज में होना चाहिए, गियर लाइन दिखना चाहिए, प्रिंट नहीं होना चाहिए, प्रिंट होगा, हेडिंग नहीं, अगर आपने इसको व्यू कर दिया फिर भी प्रिंट तो होगा ही होगा, हाँ नहीं होगा फिर, ठीक है। और हेडिंग दिख रहे हो या प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट कर सकते हो हेडिंग को, अब ABCD भी प्रिंट में आएगा, 1 2 3 भी प्रिंट में आएगा आपका, आ रहा है ना ABCD और 1 2 3 4 भी प्रिंट में आ रहा है, ठीक है। सिलेक्शन पेन तो पता ही है आपको, बाकी चीजें पता ही है, मैंने बताया था इसमें इंसर्ट के अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो आपका होम इंसर्ट पेज लोड कंप्लीट हो गया, अब बारी आती है आपकी फॉर्मूले की। फॉर्मूले में
आज का जो टॉपिक आपको मैं कराऊंगा कैलकुलेशन कराऊंगा, आज आके नहीं कराऊंगा, आज सिर्फ आपको कैलकुलेशन कराऊंगा। हाँ पावर पाइवट करा, पावर पाइवट तो करा दिया था ना मैंने आपको, पावर पाइवट हो गया सर इसमें। वो संडे को दिन करा था पावर पाइवट। माइक्रोसॉफ्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने फॉर्मूले में। और मेरे पास फॉर्मूला आता है, अब जो बारी आती है कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मतलब कि एक्सेल पे जो मैथमेटिकल का सिंबल है, उस मैथमेटिकल के सिंबल को, मतलब सॉरी मैथमेटिकल जो हमारे पास ऑपरेटर्स है उसका यूज करके और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैथमेटिकल ऑपरेटर होते कितने हैं आपके, इक्वल है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट है एंड पावर है। तो इसको यूज करना आपको मैं आज बता रहा हूं कि किसको किस तरीके से आप यूज करोगे। पांच बजे मतलब जल्दी, मतलब वो टाइम पे ओके। तो यहां पे आगे बढ़ते हम, जैसे जैसे कि मुझे मान लीजिए कि कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम लोग, कुछ कैलकुलेशन हमें निकालना है तो किस तरीके से, जैसे हमें परसेंटेज निकालना है, जैसे मुझे पता करना है कि अगर आपका पेपर 520 का था उसमें से आपने 300 नंबर निकाला तो आपने कितना परसेंटेज लाया। तो परसेंटेज लाने का जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो क्या है कि 500 मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बाय 520 मल्टीप्लाई बाय 100, मैथमेटिकल कंसेप्ट ये है। तो अब एक्सेल के लिए इसके लिए कोई फॉर्मूला ढूंढोगे, आप जो पता है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट ये है तो आप यही पे यूज कर सकते हो कि 300 डिवाइड बाई 500। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है एक्सेल में परसेंटेज पे, क्या कि अगर मैंने यहां पे 10 लिखा और 10 के ऊपर इसमें 10 परसेंटेज लिखना था, अगर मैं परसेंटेज का सिंबल दूंगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा। जब भी आप परसेंटेज पे क्लिक करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है, और परसेंटेज को हटाते हो तो डिवाइड बाय 100 कर देता है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इसका एक और बेनिफिट होगा कि अगर मुझे पता करना है कि 520 का 58% क्या है, तो इसके लिए क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन रही है, इसे बनेगी आपको कि 520 मल्टीप्लाई बाय 58 और डिवाइड बाय 100 बन रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाय 58 तो करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 58 तो करेंगे लेकिन डिवाइड 58 परसेंटेज करेंगे। जैसे परसेंटेज का सिंबल मैंने लगा दिया तो ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 100 हो गया, समझ गए, या फिर
क्योंकि इसको मैंने सेलेक्ट किया तो आपको 58 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू है 0.579। तो जब भी आप इसका यूज करो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इसको अरेंज करते हैं उसी तरीके से। अब कोई और मैथमेटिकल फॉर्मूला बताओ जिसका यूज कर सकते हो आप। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला और क्या क्या है बताइए, कुछ पता है? चलिए ढूंढते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दो तीन चीजें कवर होती है, एक तो आपका फॉर्मूला, ये क्या बोलते हैं ब्रैकेट वगैरह का जो है पंगा है वो समझ में आ जाएगा आपको। मैथ फॉर्मूला ये तो यार ये चीज़ अलग है। आग उठाओ उस कैलकुलेशन को आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी इंटरेस्ट वगैरह निकालना अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप यहां पे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि बात होती है हम एमआरपी निकालने की बात करते हैं, एमआरपी पे क्या होता है कि 5% 2% अलग अलग है इस तरीके से, 5% 10% 15% 20%। अगर मान लीजिए कॉस्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज, तो 5% जाके डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, पर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना जो है 10% रख के होलसेलर को दिया, होलसेलर ने 15% रख के किसको दिया, कंज्यूमर को, इसको रिटेलर को, रिटेलर ने 20% रख के दिया कंज्यूमर को। ठीक है ना, तो फाइनली कंज्यूमर के पास क्या प्राइस, मतलब एमआरपी कितनी होनी चाहिए, कितना प्रिंट करे एमआरपी, तो उसके लिए क्या करेगा, तो यहां पे मुझे निकालने के लिए 1/1 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, फिर इसको प्लस करना पड़ेगा कि इसमें प्लस 52 आया, देन मैं 52 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, फिर इसमें प्लस करूंगा। ठीक है, फिर मैं यहां पे इसका मल्टीप्लाई करूंगा 15%, फिर इसमें प्लस करूंगा, फिर सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 20 देन प्लस। फाइनल रिजल्ट क्या आया, 79। अबे तो इतने सारे से बन के निकला है, अब इसको आपस में कंबाइन करना, मैं एक सेल में चाहता हूं तो कंबाइन करने के लिए नॉर्मल है कि आप यहां 20 को बी है ना, यहां से B20 है ना, B20 को 5% टाइप कर दो, ये हट गया, इसको डिलीट कर सकते हो आप। सेम ऐसे ही C20 को 10% टाइप कर देता हूं,
डिलीट कर दो। फिर ऐसे यहां पे 15% इसको डिलीट कर सकते हो, फिर ऐसे यहां पे 20% डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं इसको कॉपी करता हूं कंट्रोल सी, फिर यहां पे जहां पे हमारा B20 है उसको ब्रैकेट में रख के पेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, फिर इसको कॉपी करो और यहां पे B22 है इसको ब्रैकेट में ले गए पेस्ट कर दो। मैं इसको फिर यहां पे भी आता है, इसको डिलीट कर सकते हो, क्या सेम पेस्ट होगा ना, क्या ये जो था यहां पेस्ट होगा ना, लिंक हटेगा तभी तो। अब जैसे यहां पे देखो ना, यहां पे C22 है तो इसके जगह पे तो पेस्ट करेंगे C22 का रिजल्ट, तभी तो ये लिंक टूटेगा, तभी तो मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा। देन इसको कॉपी करूंगा और ए कौन सा है, C32 सॉरी, तो C22 को डिलीट करेंगे, इसके जगह ब्रैकेट रखेंगे और उसके जगह पे C22 का फॉर्मूला जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। यहां भी सेम करना पड़ेगा, C22 है तो जहां जहां C22 है वहां वहां C22 का फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, तभी तो C22 का लिंक हटेगा। देन इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो कंट्रोल सी और फिर इसमें D22 पेस्ट कर दो। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, फिर इसको कॉपी करो सेम। ऐसे आपका धीरे धीरे छोटा एक छोटा फॉर्मूला एक विशाल फॉर्मूले के रूप में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देन इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी और फिर यहां पे पेस्ट करो। कंट्रोल सी, मैं यहां पे पेस्ट करूं एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इतना लंबा फॉर्मूला वन टाइम तो नहीं लगा सकते थे, तो ये था आपका फॉर्मूला मर्जिंग, कि आप फॉर्मूले को अपने हिसाब से मर्ज कर सको किसी भी एंगल। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आप मैथमेटिकल सिंबल है जिसका आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल। जैसे कि मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं कुछ एक बुक ले रखा हूं उसी बुक से मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। कि आपके मैथमेटिकल में बता बोल रहा है कि 5 + 16 + 7 / 18 प्लस 6 / 70, ठीक है। अब इसको एक्सेल पे सॉल्व करना है, कैसे करोगे, इक्वल 5 / 16 प्लस 7 / 18 प्लस 6 / 17। अब ये तो आपको, एक मिनट, तो
परसेंटेज में आ गया, हटा देता हूं, इस तरह से आया। अब इसके फॉर्मूले को एवलेट करके देखो कि क्या सही स्टेप पे कर रहा है, कि दोनों को प्लस कर रहा है, देन हाँ सही स्टेप है। अगर सही स्टेप ना लगे तो क्या कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक है, एक और एवोल्यूशन है हमारे पास, उसको करना है, इसी को इसको एरेज करता हूं। अब एक और एवोल्यूशन हमारे पास ये है कि 1/2 प्लस, ऐसे ही प्लस नहीं है, डिवाइड बाय 1/2, ठीक है ना। और फिर बटा है हमारा, फिर यहां पे है 1/2 प्लस 1/2, किसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए यहां पे रोल होगा इक्वल 1/2 डिवाइड बाय 1/2। अब इसमें कंफ्यूजन होगी कि पहला कौन सा डिवाइड होगा, सॉरी पहला कौन सा होगा, तो इसके लिए डिवाइड कर लो कि इस 1/2 का जो रिजल्ट आएगा, फिर ये जो 1/2 का रिजल्ट आएगा उसकी जो डिवाइडेशन होगी वो डिवाइडेशन होगी, और फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में डालो, फिर इसकी जो ओवरऑल रिजल्ट आएगी, इस ओवरऑल रिजल्ट में डिवाइड होगा हमारा 1/2 डिवाइड बाय प्लस प्लस 1/2, इसको भी ब्रैकेट में डालो, अब इसमें दिक्कत है ना कि डिवाइड पहले कर देगा प्लस बाद में करेगा, तो इसको भी एक ओवरऑल ब्रैकेट दो, मैं बताता हूं ना तुम्हें। यहां देखो क्या हुआ, यहां पे कि पहले ये करेंगे हम 1/2 डिवाइड बाय 1/2, सॉरी 1/2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालेंगे और इसको ब्रैकेट में डालेंगे और इस पूरे को ब्रैकेट में डालेंगे, और फिर ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1/2, इसको ब्रैकेट में डालेंगे प्लस, ठीक है ना, फिर 1/2 ब्रैकेट में आ गया, और फिर इसकी ओवरऑल ब्रैकेट होगी, ठीक है ना। तो इस तरह की ब्रैकेट इसलिए होता है जब आप बड़ी बड़ी नेस्टेड फॉर्मूला लगाओगे ना, तो इस तरह की चीजें आप आपको काफी, हाँ तो इसके लिए काफी आपकी जरूरत पड़ेगी जब आप आगे जो क्लासेस में जो बड़े बड़े फॉर्मूला यूज करोगे ना, वहां पे ये चीजें काफी आपके लिए मददगार साबित होगी, ठीक है। अब जैसे एक और है यहां पे कि 2 का 4² मल्टीप्लाई बाई 3 का 5 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करोगे, इक्वल 2 का यहां पे 2 का इसको दे देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का 3 का 5 पावर ऑफ 5, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 का पावर ऑफ, ठीक है।
इस तरह की और वो बहुत सारे कैलकुलेशन है जिस कैलकुलेशन को आप यूज कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो ना? आजकल स्क्वायर रूट का पता है शॉर्ट तरीका, शॉर्ट फॉर्म क्या है? एक तो स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल में है, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज ना करो, आप खुद का फॉर्मूला यूज करो तो क्या करोगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या है सर? सिंपल तरीका 16 का स्क्वायर रूट निकालने का, क्योंकि स्क्वायर रूट का कोई सिंबल तो होता नहीं है एक्सेल के अंदर में। होता है?